किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में भी साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक ऐसी कहानी जो आपको ये बताएगी कि जिंदगी में यदि आप सब सुख के साथ ही बनते हैं तो जीवन आपको कुछ बड़ा नहीं देगी, लेकिन यदि आप किसी के दुख के साथ ही बनते हैं तो जिंदगी में आप बड़ा ही नहीं, जिंदगी भी आपको कुछ विशेष दे के जाएगी। ये कहानी युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह को सुनाते हैं। ये कहानी देवराज इंद्र और एक धर्मात्मा तोते की है। कहानी कहती है कि अगर किसी के साथ ने अच्छा वक्त दिखाया है तो बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ देना ठीक नहीं होता। एक शिकारी ने शिकार पर तीर चलाया, तीर पर सबसे खतरनाक जहर लगा हुआ था, लेकिन निशाना चूक गया। तीर हिरण की जगह एक फले फूले पेड़ में जा लगा, पेड़ में जहर फैल गया, वो सूखने लगा। उस पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक कर उसे छोड़ गए। पेड़ के कोटर में एक धर्मात्मा तोता बहुत बरसों से रहा करता था। तोता पेड़ छोड़कर नहीं गया, बल्कि अब तो ज्यादातर समय पेड़ पर ही रहता। दाना पानी ना मिलने से तोता भी सूखकर कांटा हुआ जा रहा था। अब ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची। मरते वृक्ष के लिए अपने प्राण दे रहे तोते को देखने के लिए इंद्र वहां खुद आए। अब धर्मात्मा तोते ने उन्हें पहली नजर में ही पहचान लिया। तो इंद्र ने कहा, देखो भाई, इस पेड़ पे न पत्ते हैं, न फूल है, न फल है। अब इसके दोबारा हरे होने को कौन कहे, बचने की भी कोई उम्मीद नहीं है। जंगल में कई ऐसे पेड़ हैं जिनके बड़े बड़े कोटर पत्तों से ढके हैं, पेड़ फल फूल से भी लदे हैं, वहां सरोवर भी पास है। तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो, वहां क्यों नहीं चले जाते? तो तोते ने जवाब दिया, देवराज, मैं इसी पर जन्मा, इसी पर बढ़ा, इसी के मीठे फल खाए, इसने मुझे दुश्मनों से कई बार बचाया, इसके साथ मैंने सुख भोगे हैं। आज इस पर बुरा वक्त आया तो अपने सुख के लिए इसे त्याग दो। जिसके साथ सुख भोगा दुख भी उसके साथ ही भोगूंगा, और इसी में मुझे आनंद आता है। आप देवता होकर भी मुझे ऐसी बुरी सलाह क्यों दे रहे हैं? और यह कहकर तोते ने तो जैसे इंद्र की बोलती ही बंद कर दी। तोते की दो टूक सुनकर इंद्र प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कोई वर मांग लो। तो तोता बोला, मेरे इस प्यारे पेड़ को पहले की तरह ही हरा भरा कर दीजिए। अब देवराज ने पेड़ को न सिर्फ अमृत से सींच दिया, बल्कि उस पर अमृत बरसाया भी। पेड़ में नई कोपलें फूटी, पहले की तरह वो हरा भरा हो गया, उसमें खूब फल भी लग गए। तोता उस पर बहुत दिनों तक रहा और मरने के बाद देवलोक को चला गया। युधिष्ठिर इस कथा को पितामह भीष्म को सुनाकर बोले कि अपने आश्रयदाता के दुख को जो अपना दुख समझता है, उसके कष्ट मिटाने खुद भगवान आते हैं। बुरे वक्त में व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है, और जो उस समय उसका साथ देता है उसके लिए वो अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। इसलिए किसी के सुख के साथी बनो ना बनो, लेकिन दुख के साथी जरूर बनो, और यही धर्म नीति है और कूटनीति भी।